नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सिंह आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आराध्या आरएएस एकेडमी में। तो अपन अब बात करेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन। तो ये किसान आंदोलन है ये अपन पूरा पढ़ेंगे और इससे आपको एक जो महत्वपूर्ण है तथ्य वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, किताबों में पढ़ने से ये जो आज मैं पढ़ाऊंगा ये अधिकतर चीजें किताबों में नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें मैं ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ आपको। और जैसे कि आप अखबार पढ़ते हो तो क्या आपका अखबार याद रहता है? नहीं याद रहता। तो सुनने से ज्यादा चीज याद रहती है, जैसे कि अपन सुनते हैं कि यार वहां पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो अपने याद रहता है। आज से 1 महीने बाद भी अगर वो पूछ लेंगे तो वो याद रहता है कि हाँ यार उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। क्या आपको कल का अखबार पूरा याद है? नहीं याद, बल्कि आप उनको बहुत गहन अध्ययन तरीके से पढ़ते हो लेकिन नहीं याद। तो सुनने से ज्यादा चीज याद होती है। तो इस वीडियो को देखें और फिर बताएं कि आपको वीडियो है ये तो कैसा लगा। तो इसमें अपन बात करेंगे नंबर 1, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ये किसान आंदोलन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो बिजोलिया किसान आंदोलन वो 1897 से 1841 तक चला, 1941 तक चला था, ये 44 साल चला था। जब ये क्यों हुआ था, लाभ बेगार जो जमींदारों कि जो वो दिया गया था, अत्याचार किए गए थे जो गरीबों पर, इसके कारण ये शुरू हुआ था। यानी कि लाग बाग बेगार कर, लाग बाग बेगार कर, आदि से परेशान होकर ये जमींदार द्वारा लगाया गया था, परेशान होकर यह आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है ना। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व है वो सीताराम दास ने किया था। प्रारंभ में नेतृत्व है किसने किया था? साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। इसके बाद में देखो अपन आगे बात करें तो 1897 में जो किसानों के छोटे स्तर पर यह आंदोलन शुरू किया गया था, यानी कि 1897 में था जो है छोटे स्तर पर, मतलब तो छोटा सा आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। बाद में 1916 में विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व किया, आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व किया 1916 में। इसके बाद इन्होंने यह आंदोलन जो बड़ा रूप ले लेता है। और देखो विजय सिंह पथिक की बात करें तो अपन विजय सिंह पथिक कहाँ के थे? इनका जन्म हुआ था गुडावली बुलंदशहर यूपी में, गुडावली बुलंदशहर यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह, मूल नाम क्या था? परीक्षा में आता है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, तो भूप सिंह, ठीक है। 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की, 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की, ठीक है। 1916 में नेतृत्व किया, 1917 के अंदर इसकी स्थापना की। और इसके सदस्य थे जो नानाजी और ठाकरी पटेल, इसके दो सदस्य थे। सदस्य की बात करते हैं अपन, तो एक तो थे नानाजी और एक थे ठाकरी पटेल, ठाकरी पटेल। इस ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की, इसके दो सदस्य थे नानाजी और ठाकरी पटेल, ठीक है। और जो ये
बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, इसके लिए एक जांच कमेटी बैठी थी 1919 में, जिसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की थी, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच समिति, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच समिति, इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और 1919 में जो राजस्थान सेवा संघ है की स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में 1919 ईस्वी में, महाराष्ट्र में वर्धा नामक स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 के अंदर। जब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, उसके बाद में ही इन्होंने 1919 के अंदर ही प्रताप नामक समाचार पत्र से राजनीतिक रूप दे दिया गया इस आंदोलन को। ठीक है ना, 1919 में, 1919 ईस्वी में प्रताप जो एक समाचार पत्र था, ठीक है, कानपुर से जारी होता था, और इस पत्र ने ही राजनीतिक रूप दे दिया था कानपुर में, प्रताप नामक पत्र से आंदोलन ने राजनीतिक रूप दे दिया, राजनीतिक रूप, ठीक है, राजनीतिक रूप दे दिया। अब देखो ये प्रताप नामक समाचार पत्र जारी किसने किया था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसको जारी किया था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने यह समाचार पत्र जारी किया था प्रताप कानपुर से 1919 के अंदर। ठीक है, अब देखो 1916 के अंदर हुआ था जो आए थे, अब देखो विजय सिंह पथिक, अब बात करेंगे आगे जो 1927 के अंदर कौन आए थे इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज। 1927 में रामनारायण चौधरी वह जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज इस आंदोलन में है जो शामिल हुए, यानी कि शामिल हुए आंदोलन में, शामिल हुए, ठीक है, आंदोलन में शामिल हो गए बिजोलिया में। अब देखो उस समय जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो यह बिजोलिया भीलवाड़ा पड़ता है, कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में। अब भीलवाड़ा पहले किस में आता था, मेवाड़ में, ठीक है ना, तो मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे टी विजय राघवाचार्य, मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य थे। ठीक है, जब ये किसान आंदोलन हुआ था उस समय जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे वो टी विजय राघवाचार्य थे। इस आंदोलन जो यह आंदोलन था, यह राजस्थान का प्रथम और सबसे लंबा चलने वाला जो आंदोलन था, राजस्थान का प्रथम आंदोलन, वह सबसे लंबा आंदोलन, सबसे लंबा समय तक यही जो चला था। और देखो यह अहिंसात्मक आंदोलन भी कहा जाता है इसको, ठीक है, 1941 में समझौता हो गया और आंदोलन समाप्त हो गया, 1941 में समझौता, आंदोलन समाप्त, आंदोलन समाप्त। ये देखो अपना बिजोलिया,
जो है किसान आंदोलन यह समाप्त हो गया है और अब अपन दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। बिचौलिया किसान आंदोलन वो पूरा हो गया था, 44 साल तक चला था। अब अपन बात करेंगे बैंकों किसान आंदोलन। यह आंदोलन देखो 1921 से शुरू हुआ था और 1923 में खत्म। जो इसके नेता थे वो रामनारायण चौधरी की नेता रामनारायण चौधरी यह आंदोलन शुरू शुरू क्यों हुआ था, वही लाख बाग कर की वजह से किसानों पर विभिन्न प्रकार के लाख बाग लगा दिए थे और इसकी वजह से आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था लाख बाग करों के लिए, करों के विरोध में। लाख बाग करों के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। देखो इसमें एक सत्याग्रह हुआ था, सत्याग्रह 23 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा चित्तौड़गढ़ में, गोविंदपुरा चित्तौड़गढ़ में एक आयोजित सभा की गई थी जिसमें रूपाजी और करपाजी मारे गए थे। ठीक है ना, सत्याग्रह कब हुआ था, 23 जुलाई 1923 को सत्याग्रह। 23 जुलाई कितना था, 13 जुलाई 1923 को। 1923 को यह सत्याग्रह जो चालू किया गया था वो गोविंदपुरा चित्तौड़गढ़ में, गोविंदपुरा कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। यह सत्याग्रह के अंदर दो व्यक्ति मारे गए थे जो है रूपा जी और कृपा जी, रूपा जी व कृपा जी। प्रश्न आता है कि रूपा जी और कृपा जी किस आंदोलन में मारे गए, तो है डेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, अब देखो इस आंदोलन को बलवैश्विक सेविक समझौते का दर्जा दिया गया है, यानी कि बलशेविक समझौता। इस आंदोलन को बलशेविक समझौता कहा गया है। ठीक है ना, बलवैश्विक समझौता इसको कहा गया है। इसके बाद में एक सभा हुई थी जो मेंदाल जो भीलवाड़ा में है, जो उसमें ट्रेंच अंग्रेज नाम का एक अंग्रेज था जो उसने क्या किया कि गोलियां चला दी थी। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में ट्रेंच आयोग का गठन भी किया गया था। तो सभा कहाँ हुई थी, मेंदाल भीलवाड़ा में, सभा मेंदाल कहाँ हुई थी, मेनाल, मेनाल कहाँ है, भीलवाड़ा में। और सभा पर गोली किसने चलाई थी, ट्रेंच नामक एक अंग्रेज ने, ट्रेंच अंग्रेज ने सभा पर ये गोली चला दी, गोली चला दी। ठीक है, इसमें गोली चला दी। उसके बाद में देखो ट्रेंच आयोग का गठन होता है इस समिति की जांच करने के लिए, ट्रेंच आयोग का गठन, ट्रेंच आयोग का गठन होता है इस सभा पर गोली चलाने के लिए, इस समिति का गठन किया गया था। अब देखो बिजोलिया और जो बेंगू किसान आंदोलन था, जो इसके अंदर जो किसान आंदोलन थे वो कौन सी जाति के थे, वो दाकड़ जाति के थे, दाकड़ जाति के लोग। ठीक है ना, इस आंदोलन में दाकड़ जाति के लोगों ने भाग लिया था। और इसमें क्या किया, विजय सिंह पथिक ने के द्वारा जो संपादित जो पत्रिकाएं प्रकाशित की गई थी उसमें देखो कौन कौन से नाम थे। अब इसमें मैं अलग से बता देता हूं, यहां पर विजय सिंह पथिक द्वारा, विजय सिंह पथिक द्वारा संपादित पत्रिकाएं। ठीक है, अब देखो विजय सिंह पथिक ने कौन कौन सी जो पत्रिकाएं थी वो संपादित की थी, उसमें नवीन राज नवीनतम राजस्थान, तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी। नंबर 1 नवीनतम राजस्थान,
ठीक है ना। नंबर दो राजस्थान केसरी, नंबर थ्री तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये तीन जो है जो पत्रिकाएं हैं वो संपादित की गई थी विजय सिंह पथिक द्वारा। ठीक है, वो हो गया था अपने निम्न चुनाव वाला। अब बात करेंगे अपन बिचौलिया किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है, बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, वो है नेनुराम शर्मा नेतृत्व है, ठीक है ना। नेतृत्व किसने किया था, वो किया था नेनुराम शर्मा ने, नेनुराम शर्मा, हरि भाई किंकर, हरि भाई किंकर और रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी, इन्होंने इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। अब देखो बूंदी में जो किसानों की जो समस्या थी, ठीक है ना, वो हुई थी जो रियासतों के विरुद्ध, यानी कि समस्या की बात करते हैं अपन, समस्या रियासतों के विरुद्ध, रियासतों के विरुद्ध किसान जो है कुछ थे, ठीक है ना, कुछ नहीं थे, इसलिए यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, 2 अप्रैल 1923 है, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जो किसान नेता थे जिसमें जो नामांकित बिल थे वो झंडा गीत जो गा रहे थे, तो इन गाते समय इनके ऊपर गोलियां चला दी और ये शहीद हो गए। ठीक है, 2 अप्रैल 1923 को, 2 अप्रैल 1923 को नानक जी भील, इन्होंने क्या किया था, झंडा गीत गाते समय, झंडा गीत गाते समय मारे गए, यानी कि शहीद हो गए, शहीद हो गए। ठीक है, 2 अप्रैल 1923 में नानक जी भील झंडा गीत गाते समय जो है शहीद हो गए थे। ठीक है, जो एक सभा थी, ये सभा हुई थी, उस सभा के अंदर जो इकरार हुसैन नाम के एक व्यक्ति था, जो वो उसने गोलियां चलवाई थी, किसने चलवाई थी, इकरार हुसैन, इकरार हुसैन ने गोलियां चलवाई, गोलियां चलवाई। प्रश्न आ जाए कि जो बूंदी किसान आंदोलन था उसके अंदर जो सभा हुई थी, उस सभा के ऊपर गोलियां किसने चलवाई थी, तो इकरार हुसैन ने, और उसमें जो झंडा गीत गाते समय नानक जी भी मारे गए। इसके बाद में अपन बात करते हैं, वो है निमुचना किसान आंदोलन 1925 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चौथा नंबर का अपना ये है, इसके अंदर अपन बात करते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व की बात करते हैं तो अपन मोहम्मद अली जो बेग थे उन्होंने नेतृत्व किया था, नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली बेग, अली बेग ने नेतृत्व किया था। ये नीमुतड़ा है कहां पर, वो है अलवर रियासत के बानसूर तहसील में, कहां पर है, अलवर रियासत, अलवर रियासत के बानसूर तहसील में, बानसूर तहसील में यह स्थित है। कौन है, निमुतड़ा, जो कहां पर है, अलवर रियासत के बानसूर में। ठीक है, अब देखो यह क्यों हुआ था, यह जंगली सुअर के विरोधी अभियान, ठीक है, इसके लिए स्टार्ट हुआ था जंगली सुअर का विरोधी अभियान, का विरोधी अभियान। इसमें क्या होता था कि जो ये जंगली सुअर थे जो खड़ी फसल को नष्ट कर देते थे, ठीक है, और इससे किसानों को बहुत ज्यादा घाटा होता था। तो ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर 24 मई 24 मई 1950 1925 को
एक सभा आयोजित की गई थी, उस सभा में क्या किया गया था, पुलिस अधिकारी जो छाजू सिंह था उसने सभा पर गोलियां चलाई थी, ठीक है, 24 मई 1925 को, 24 मई 1925 को, ठीक है ना, सभा हुई थी, उस सभा के ऊपर जो गोलियां चलाई थी वो छाजू सिंह ने चलाई थी, सभा पर गोलियां किसने चलाई थी, छाजू सिंह। छाजू सिंह को और क्या कहते हैं, राजस्थान का डायर, राजस्थान का डायर किसे कहा जाता है, छाजू सिंह, ठीक है, छाजू सिंह ने गोलियां चलवाई, गोलियां चलवाई, इसमें बहुत लोग मारे गए थे, ठीक है। तो इसके बारे में जब महात्मा गांधी को पता चला तो महात्मा गांधी ने कहा था कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड है उससे भी विध्वंसकारी बताया है, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विध्वंसकारी बताया है, विध्वंसकारी बताया है, किसने, प्रश्न आता है ये, ठीक है ना, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को महात्मा गांधी ने विध्वंसकारी बताया है, कौन से आंदोलन के बारे में बताया है, तो नीमू चढ़ा किसान आंदोलन को। नंबर 5 है सीकर सेकावाटी में किसान आंदोलन, इसकी बात करेंगे अपन, तो ठीक है ना, इसका नेतृत्व किसने किया था, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे, तो इसका नेतृत्व किया था वो है नंबर 1 कौन सा है, क्या नाम है उनका बताओ, नरोत्तम लाल जोशी और हरदयाल ने किया था, किसने किया था, नरोत्तम लाल और हरदयाल ने, नरोत्तम लाल जोशी और हरदयाल ने, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन का नेतृत्व है। अब देखो ये सीकर सेकावटी में किसान आंदोलन हुआ था तो ये कहां पर पड़ता है, तो ठीक है, यह पहले जयपुर रियासत में था, जयपुर रियासत में था, ठीक है ना, और सीकर के जो ठिकानेदार थे राव कल्याण सिंह वो सीकर के थे, यानी कि आगे सीकर के ठिकानेदार, ठिकानेदार कौन थे, राव कल्याण सिंह, राव कल्याण सिंह यहाँ के जो थे ठिकानेदार थे, तो इन्होंने क्या किया था, राव कल्याण सिंह जी थे जो जयपुर के थे, जो जयपुर के जो देशराज सिंह थे, ठाकुर देशराज सिंह, उनकी प्रेरणा से यह किसान आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, सूत्रपात इन्होंने ही किया था, राव कल्याण सिंह ने, और यह क्यों किया गया था, वही सभी का एक ही कारण था, रियासती कर वसूली के खिलाफ, रियासती कर वसूली, रियासती कर वसूली के लिए आंदोलन किया गया था, और इसी के लिए एक जो क्षेत्रीय जांच समिति थी उसका गठन किया गया था 1931 में, 1931 में क्षेत्रीय जांच समिति का गठन किया गया था 1931 में, ठीक है ना। अब देखो रियासती कर वसूलने के लिए आंदोलन किया गया था, ठीक है, और 1931 के अंदर यह हुआ था। अब देखो जो पल थाना है जो सीकर जिले में पड़ता है, पल थाना में जांच जो सम्मेलन हुआ था वो 1935 में आयोजित किया गया था, पल थाना में, पल थाना में 1935 में जांच सम्मेलन किया गया, जांच सम्मेलन किया गया, ठीक है, दिख तो रहा था आपको, ठीक है,
अब देखो विधान सम्मेलन किया गया था, अब देखो जून जो 1535 में क्या हुआ था, प्रश्न काल के तहत जो संसद में जो हाउस ऑफ कांग्रेस के में आवाज उठाई गई थी, ठीक है ना, जून 1935 में, जून 1935 में हाउस ऑफ कांग्रेस, हाउस ऑफ कांग्रेस में आवाज उठाई गई। यह आंदोलन था, यह बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, ठीक है, और यह इसलिए यह बात संसद तक पहुंच गई थी, और जून 1935 में हाउस ऑफ कांग्रेस में जो प्रश्न काल के तहत हुआ था, जो इसमें आवाज उठाई गई थी, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि जयपुर नरेश थे, मान सिंह ने मध्यस्थता करवाई थी और आंदोलन को समाप्त किया गया था। जयपुर मान सिंह, जयपुर के मान सिंह ने मध्यस्था कर समझौता करवाया, समझौता करवाया, ठीक है। और इसमें एक और है सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10,000 जो मुस्लिम महिलाओं का जो नेतृत्व है वो कटरातल में जो किशोरी देवी ने किया था, ठीक है ना, 10,000 महिलाओं का नेतृत्व है, जो जाट महिलाएं थी उनका नेतृत्व है, 10,000 महिलाओं का नेतृत्व है, नेतृत्व है कटराथल में किया, कटराथल में किया किसने, किशोरी देवी ने। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, 10,000 महिलाओं का नेतृत्व कटराथल में किसने किया था, जो किशोरी देवी ने। यह अपना शेखावाटी का जो सीकर का किसान आंदोलन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, नेतृत्व तो नरोत्तम दास जोशी ने किया था, और पलथाना में जाट सम्मेलन 1931 में क्षेत्रीय जाट समिति का गठन किया गया, 10,000 महिलाओं का नेतृत्व है वो कटराथल जो सीकर में स्थित है और किशोरी देवी ने किया। नंबर 6 अपन बात करेंगे, वो है डाबला किसान आंदोलन। यह कहाँ पड़ता है डाबला, जो डीडवाना नागौर में पड़ता है, डीडवाना नागौर में यह पड़ता है, ठीक है ना। इस आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था, तो नीलाल शर्मा ने, नेतृत्व तो सुन्नी लाल शर्मा, ठीक है ना। इस आंदोलन के नेतृत्व में चुन्नीलाल शर्मा शहीद हो गए, ठीक है, शहीद हो गए। डाबला किसान आंदोलन को अंदर सिर्फ अपन को इतना ही याद रखना है, इसके बाद में अपन बात करेंगे, वह है मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, ठीक है ना, मारवाड़ किसान आंदोलन। अब देखो जो इसका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वो चांदमल सुराणा ने किया था। नेतृत्व की बात करें अपन तो नेतृत्व है चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा, ठीक है, चांदमल सुराणा ने जो इसका नेतृत्व किया था, और इनके साथ थे जयनारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास इनके साथ में थे, और चांदमल सुराणा ने मारवाड़ किसान आंदोलन जो स्टार्ट किया था। ये क्यों किया गया था, तो इसमें क्या था, 100 तोले के स्थान पर जो 80 तोला का शेयर बना दिया गया था, 100 तोले के स्थान पर 80 तोला कर दिया, ठीक है ना, 100 तोले के स्थान पर जो 80 तोला करके दिया जाता था, ठीक है ना, एक शेयर का मतलब होता था 100 तोला, जो इन्होंने 80 तोला
कर दिया था, ठीक है। और इसके विरुद्ध देखो, और इसके कारण क्या है, जो मादा पशु थे उनका निष्कासन किया गया था उनके विरोध के अंदर, मादा पशुओं का निष्कासन के विरोध में यह आंदोलन है वो शुरू किया गया था, ठीक है ना। एक तो हो गया तोल के विरुद्ध और एक हो गया मादा पशु के निष्कासन के विरुद्ध। किसने किया था? चांदमल राणा और जयनारायण व्यास, ठीक है। अपना किसान आंदोलन आज यही खत्म होता है। धन्यवाद।